starting our video with next topic of this chapter, solutions. Till now we have discussed about the concentration term through which we can get the concentration of given solution. Now I am going to explain next topic, that is solubility. सॉल्युबिलिटी ये एक्चुअली में डिनोट करता है मैक्सिमम अमाउंट किसी भी सॉल्यूट का जो गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि ये सॉल्वेंट की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है, वो सॉल्वेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है और किसी गिवन टेम्परेचर पर। तो ये दो बात ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो ये एक एबिलिटी है किसकी, तो सॉल्वेंट की। किस चीज की एबिलिटी, सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की एबिलिटी, और मैक्सिमम कितना सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो उस सॉल्वेंट के लिए सॉल्युबिलिटी कहलाएगी एट दैट गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जो है उसे वैरी करने पे सॉल्युबिलिटी यानी कि उस सॉल्वेंट के अंदर जो घुलाने की एबिलिटी है वो वैरी करेगी। सो वी कैन डिफाइन दिस सॉल्युबिलिटी एज द मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved in a given solvent at particular temperature. किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट में मैक्सिमम जितना भी सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है वो उस सॉल्वेंट के लिए सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, वो उस सॉल्वेंट की क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। अब बात आती है कि किसी भी सॉल्वेंट की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, किन किन फैक्टर्स को अगर हम वैरी करें चेंज करें तो जो सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी है वो वैरी होगी चेंज होगी। तो यानी यहाँ पर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं वो है फैक्टर्स, फैक्टर्स जो डिसाइड करता है सॉल्युबिलिटी को, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले जो जो फैक्टर्स होंगे उसमें सबसे फोरमोस्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर को वैरी करने से किसी भी सॉल्वेंट की जो सॉल्युबिलिटी है वो वैरी करेगी। सेकेंड फैक्टर इज प्रेशर, प्रेशर वैरी करने से भी सॉल्युबिलिटी वैरी करेगी, जैसे हमें देखना है कि किस तरह से प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्यूट, किस तरह का सॉल्यूट हमने ले रखा है उस पर भी डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी। एंड द लास्ट वन इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के वैरी करने से उसके अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो वैरी करेगी। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो दीज आर फोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, वन इज टेम्परेचर, अनदर वन इज प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, एंड द लास्ट वन इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब ये बात भी हमें ध्यान रखना है कि हर प्रकार के सॉल्यूट हर प्रकार के सॉल्वेंट को डिसॉल्व अपने अंदर नहीं कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी भी सॉल्यूट और किसी भी सॉल्वेंट को आपस में इंटरमिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर्टिकुलर नेचर होता है कि इस तरह का सॉल्वेंट अपने अंदर इस तरह के सॉल्यूट को ही डिसॉल्व कर पाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बात करें NaCl कॉमन सॉल्ट की, तो वो कॉमन सॉल्ट आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। उसी प्रकार से शुगर, इट कैन बी ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर वेरी इजली। बट अगर हम किसी अदर कंपाउंड के एग्जांपल लेते हैं जैसे कि नैप्थलीन, तो ये वाटर में आसानी से डिसॉल्व नहीं होता है। इसे अगर हम डिसॉल्व करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर बहुत ही
इजिली डिजोल्व होता है, जैसे बेंजीन वगैरह में हम इसे इजिली डिजोल्व कर सकते हैं। तो सिंपली यही बात यहाँ पे कंक्लूड होता है कि हर सॉल्वेंट अपने अंदर हर तरह के सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकता है, एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट और सॉल्यूट ही आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं। यानी जो बात यहाँ पर हुई वो ये ध्यान रखना है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं NaCl की, तो ये जो NaCl है या फिर शुगर की, ये NaCl एंड शुगर ये दोनों ही बहुत ही रीडली डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, आसानी से पानी में घुल जाएंगे। लेकिन अगर हम नैप्थलीन की बात करते हैं, तो इसको अगर हम लोग चेक करें कि इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी है कि नहीं, तो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन आसानी से डिजोल्व हो जाता है ऑर्गेनिक लिक्विड बेंजीन में, यहाँ वो रेडली डिजोल्व हो जाता है। तो इससे यही पता चल जाता है यहाँ पर कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं, तो डिफरेंट सॉल्यूट एंड डिफरेंट सॉल्वेंट में एक रिलेशन होगा, और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही वो डिजोल्व होगा। तो वो रिलेशन है क्या? इंटरैक्शन। इंटरैक्शन जो होगी वो डिटरमाइन कराएगा कि कौन सा सॉल्वेंट अपने अंदर किस तरह के सॉल्यूट को डिजोल्व कराएगा। अगर हमने जो सॉल्यूट लिया और जो सॉल्वेंट लिया, उन दोनों के बीच में जो एटम के बीच में जो इंटरेक्शंस प्रेजेंट है वो सिमिलर है, एक जैसे हैं, तो वो दोनों डिजोल्व आपस में हो जाएंगे। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगेन समझते हैं कि NaCl की हम बात करते हैं, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है ना, और H2O की बात करते हैं तो ये भी पोलर नेचर रखता है, यानी ये पोलर नेचर रखने वाला कंपाउंड है। इसमें भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, Na पॉजिटिवली चार्ज, Cl निगेटिवली चार्ज, आयन से ये बना है। तो दोनों ही कैसे पार्टिकल हैं? चार्ज कंटेन करने वाले पार्टिकल हैं। तो इसकी वजह से दोनों में पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो सेम है, Na और Cl के जो बीच में इंटरेक्शन है पार्टिकल के, उसी प्रकार के कुछ इंटरेक्शन हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन के बीच में भी दिखेगा, क्योंकि सिमिलर इंटरेक्शन है पार्टिकल के बीच में, इसलिए ये आपस में डिजोल्व हो सकते हैं। बट अगर वही हम यहाँ पर नैप्थलीन की बात करते हैं, तो ये नैप्थलीन में और H2O, इन दोनों में डिजोल्व, ये दोनों आपस में डिजोल्व नहीं होंगे, क्योंकि इंटरेक्शन नैप्थलीन में एटम्स के बीच में जो होता है, और जो वाटर में जो एटम्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, वो दोनों डिफरेंट इंटरेक्शन है, तो इसलिए ये डिजोल्व आपस में नहीं होंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सॉल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट वेयर इंटर मॉलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सिमिलर। जहाँ कहीं भी सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के जो बीच में मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो सिमिलर हो जाएगा, तो उस केस में सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नैप्थलीन के और वाटर के केस में जो इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के बीच के जो इंटरेक्शंस थे वो सेम नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए ये आपस में डिजोल्व नहीं हो सकते हैं। लेकिन NaCl और H2O, इन दोनों में मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन सिमिलर है, इसलिए ये आपस में डिजोल्व हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि हम हर तरह के सॉल्यूट को और हर तरह के सॉल्वेंट को आपस में इंटरमिक्स क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वो इंटरेक्शन की वजह से होता है, इंटरेक्शन जिसमें सिमिलर होंगे वही आपस में डिजोल्व हो पाएंगे, नहीं तो फिर डिजोल्व नहीं हो पाएंगे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी को यहाँ हम लोग दो पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, एंड देन आफ्टर दैट वी वुड गो टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। यानी कि लिक्विड में एक बार सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के बारे में देखना है, और फिर सेकेंड बार हमें लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी को स्टडी करना है। तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्युबिलिटी दो पार्ट में स्टडी करना है। वन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इट मीन्स कि यहाँ हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड स्टेट में। एंड द सेकेंड वन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, अगेन सॉल्वेंट इज लिक्विड एंड दिस सॉल्यूट इज गैशियस। तो एक एक करके हमें इन दोनों को पढ़ना है, स्टार्टिंग विथ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड।
सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इस चीज को हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को यहाँ देखते हैं हम लोग लिक्विड में। अब ये तो कॉमन सी बात है कि हर तरह के सॉलिड जो है वो किसी गिवन लिक्विड में डिजोल्व हो, ये जरूरी नहीं है कोई सा भी हम सॉलिड लेकर आए और इसे किसी एक दिए गए लिक्विड में डिजोल्व करें, तो ये थोड़ी ना होगा कि वो लिक्विड अपने अंदर हर प्रकार के सॉलिड को डिजोल्व कर ही पाए। कुछ सॉलिड उस लिक्विड में डिजोल्व होंगे, कुछ सॉलिड उस लिक्विड में डिजोल्व नहीं होंगे, है ना। और इसके बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट पहले ही देखा कि वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट में आपस में मिक्सिंग पॉसिबल हो पाएगी जहां इंट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में सिमिलर होंगे। तो ये बात को यहाँ पर एक बार फिर से रिव्यू ले लेते हैं कि हर प्रकार के सॉलिड जो है वो किसी गिवन लिक्विड में डिजोल्व नहीं हो पाएंगे, डिजोल्व वहां ही पॉसिबल हो पाएगा जहां पर इंटरेक्शन सिमिलर होगा। यानी यहाँ पर एक वर्ड हम लिख सकते हैं, सेंटेंस लिख सकते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक। अगर हमारा सॉल्यूट पोलर नेचर का है और हमारा जो सॉल्वेंट है उसका नेचर भी पोलर है, ये दोनों एक जैसे हो गए, इनमें जो इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेगा बीचों बीच में मॉलिक्यूल्स के वो एक जैसा है, पोलर है दोनों, तो इट मींस कि ये दोनों आपस में डिजोल्व हो सकते हैं, यहाँ डिजोल्विंग कैपेसिटी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अब हम बात करते हैं किसी ऐसे एग्जाम्पल की, जैसे अगर नेप्थिलीन की बात करते हैं तो नेप्थिलीन कैसा है, नॉन पोलर है, और बेंजीन वो भी नॉन पोलर है, तो दोनों आपस में डिजोल्व हो सकते हैं। तो लाइक डिजोल्व लाइक, ये लाइन हमें ध्यान रखना है, अगर इंटरेक्शन सिमिलर है तो डिजोल्व होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे किसी गिवन लिक्विड में जब हम किसी सॉल्यूट को डालते हैं तो उसमें क्या होता है। ये एक कंटेनर, इस कंटेनर में किसी लिक्विड को हमने ले लिया, सपोज दैट लिक्विड इज वाटर, यानी कि पोलर नेचर रखने वाला एक लिक्विड हमने लिया। अब इसके अंदर एक हम सॉल्यूट डालते हैं एंड दैट सॉल्यूट शुड ऑल्सो बी पोलर, तभी तो ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हो पाएंगे। अब क्या होता है, जैसे ही हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, पोर करते हैं, तो उस सिचुएशन में सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे अपना कंसेंट्रेशन इस सॉल्वेंट के अंदर इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का पार्टिकल जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। तो फर्स्ट स्टेज क्या होगा, इनिशियली क्या ऑब्जर्व करना है, इनिशियली सॉल्यूट कंसेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगा, कहाँ, सॉल्यूशन में वो बढ़ने लगेगा, और इसको हम कहते हैं डिसॉल्यूशन। इस प्रोसेस को जहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट में आकर लगातार घुलते जा रहा है, सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन यहाँ सॉल्यूशन में बढ़ते जा रहा है, इसे हम डिसॉल्यूशन का नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज डिसॉल्यूशन। अब सेकंड चीज क्या होता है कि कुछ कुछ जो सॉलिड सॉल्यूट इसके अंदर डाले जाते हैं वो सॉलिड सॉल्यूट अंदर में जो पहले से कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट है उससे आकर कोलाइड करने लगते हैं। तो हमने जो सॉलिड सॉल्यूट अंदर पुट किया और जो पहले से अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स थे वो दोनों आपस में कोलाइड करते हैं और सेपरेट आउट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो सेकंड चीज क्या होगा कि सॉलिड सॉल्यूट कोलाइड्स, और कोलाइजन के बाद क्या होगा, गेट सेपरेटेड आउट, और इस सेपरेट आउट होने को ही यहाँ नाम दिया जाता है क्रिस्टलाइजेशन का, यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। तो ये क्या हुआ, जब हमने किसी लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड सॉल्यूट को डाला तो ये चीज होगी, दो चीज होगी, सबसे पहले कि वो जो हमने सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड के अंदर डाला है वो धीरे धीरे अपना कंसेंट्रेशन उस सॉल्यूशन में इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसॉल्यूशन। एंड द सेकेंड इज कि वो जो सॉलिड सॉल्यूट अंदर गया है वो अंदर के कुछ सॉलिड पार्टिकल से कोलाइड करके सेपरेट आउट होने लगता है, यानी क्रिस्टलाइजेशन। वंस अगेन व्हेन एनी सॉलिड सॉल्यूट इज पोर्ड इनसाइड लिक्विड सॉल्वेंट, देन सम ऑफ द सॉलिड सॉल्यूट
get dissolved in the solvent. It increases its concentration within the solution, and this is known as dissolution. And some of the solute collide with the solid particle present in that solution and get separated out. This one is crystallization. अब एक टाइम ऐसा होता है कि मतलब हम यहाँ सॉलिड सॉल्यूट डाल रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें ये डिसॉल्यूशन का प्रोसेस और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, ये दोनों ही प्रोसेस जो है वो इक्वली होने लगेंगे, ये दोनों प्रोसेस जो है वो इक्वल स्पीड से होने लगेंगे. तो अगर डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों ही सेम रेट से होने लगे तो हम कहेंगे कि हम इक्विलिब्रियम तक पहुंच गए हैं, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है. ठीक है, कब? जब डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस दोनों ही सेम रेट से होने लगता है, देन इक्विलिब्रियम अटेन होगा. तो हम कह सकते हैं कि अ स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन नंबर ऑफ सॉल्यूट गोइंग इनटू द सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट गेटिंग सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन. है ना, अगर डिसॉल्यूशन का प्रोसेस और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ये दोनों ही प्रोसेस अगर सेम रेट से होने लगते हैं तो हम इसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया है ये कहेंगे. तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम आने के टाइम होगा क्या? डायनेमिक इक्विलिब्रियम है क्या? तो ये एक स्टेज है, एक ऐसा स्टेज जिसमें जितने सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं उतने ही सॉल्यूट जो है उसमें से सेपरेट आउट होकर भी आ रहे हैं, यानी क्रिस्टलाइज होकर के अलग हो जा रहे हैं. तो कहेंगे कि वो सॉल्यूशन जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है. और उस पर्टिकुलर स्टेज में जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ चुका है तो उस समय जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी जो कंसेंट्रेशन होगी उसके कंसेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर ध्यान से देखा जाए, सिंपल सी बात है, कैसे फर्क पड़ने वाला? जितना सॉल्यूट घुल रहा है उतना ही सेपरेट आउट होकर अलग हो जा रहा है. मतलब कि अगर सपोज करें कि 100 ml सॉल्यूशन में अगर हमारा 10 mol सॉल्यूट घुल रहा है तो उतने ही मोल सेपरेट भी हो जा रहा है, तो ओवरऑल कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, यानी कि कंसेंट्रेशन पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा. जितना घुल रहा है उतना सेपरेट होते जा रहा है. तो जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम आने समय जो कंसेंट्रेशन होगा हमारे सॉल्यूशन का वो कैसा हो जाएगा? वो कांस्टेंट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने से सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जा रहा है उतने से ही सॉल्यूट उसमें से सेपरेट होकर भी आ जा रहा है, तो कंसेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और इस वक्त जो कंसेंट्रेशन होगा हम उस कंसेंट्रेशन को सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ कि हमारा जो सॉल्यूट ले रखा है, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो सॉल्यूट है उसके अंदर जो डिजोल्विंग कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई. तभी तो जितना अपने अंदर वो घुला रहा है उतने ही को सेपरेट भी किया जा रहा है. अपने अंदर जितने सॉल्यूट को वो ले रहा है सॉल्वेंट, उतने ही सॉल्यूट को वो खुद में से अलग भी करता जा रहा है. तो उस वक्त जो कंसेंट्रेशन है वो सॉल्युबिलिटी भी कहलाएगी, यानी कि उसकी एबिलिटी दिखा दिया कि हाँ वो इतनी ही सॉल्यूट को अपने अंदर अब रख सकता है, अब उसके अंदर और होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. और अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो हाँ ये और आगे चेंज हो सकता है, लेकिन अभी उस टेम्परेचर के लिए उसमें जो एबिलिटी थी घुलाने की वो कांस्टेंट हो चुकी है, अब नहीं कुछ चेंज ला सकते हैं हम उसके अंदर. ठीक है, तो ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन है उसको हम एक बार इस तरह से शो कर सकते हैं. डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कंडीशन के बारे में कुछ कुछ पॉइंट को हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन ये दोनों ही प्रोसेस सेम रेट से चलेगा, इन दोनों प्रोसेस का रेट सिमिलर हो जाएगा. दूसरी पॉइंट, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूट सेपरेटिंग आउट. थर्ड वन, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में मिक्स होकर सॉल्यूशन में कन्वर्ट होना जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा. थर्ड पॉइंट, हम इस समय कंसेंट्रेशन अगर चेक करेंगे अपने सॉल्यूशन की तो वो जो कंसेंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
और एट दिस पर्टिकुलर टाइम व्हेन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अटेंड कंसेंट्रेशन इज ऑल्सो रिफर्ड एज सॉल्युबिलिटी. कब कंसेंट्रेशन को सॉल्युबिलिटी कहेंगे? जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है उस वक्त. और इस पर्टिकुलर स्टेज में अगर हम चेक करें उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, तो मैक्सिमम अमाउंट में घुला है, अब उससे ज़्यादा नहीं घुला सकता है. यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के स्टेज में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है हमारे सॉल्यूशन में वो कितना है? मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है. तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन होने टाइम. नाउ गोइंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक. डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि किसी भी सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है दिए गए लिक्विड में, वो टेम्परेचर से कैसे अफेक्टेड होती है. यानी हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉलिड इन अ गिवन लिक्विड. हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन गिवन लिक्विड. ये हमारा टॉपिक है यहाँ पे जो हम आगे अभी देखने आ रहे हैं. टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन गिवन लिक्विड. सपोज करते हैं कि हमने किसी गिवन लिक्विड में सॉल्यूट को डाला, डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा. और इफ दिस डिसोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, ठीक है, एक बार फिर से मैं इस बात को रिकॉल कर रही हूँ कि अगर हमने किसी गिवन लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड सॉल्यूट को डाला, और अगर ये सॉलिड सॉल्यूट के अंदर जाना यानी डिसोल्यूशन का होना, अगर ये डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो कैसा प्रोसेस है? इंडोथर्मिक प्रोसेस है. तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस में हम सपोर्ट कर रहे हैं कि उसको अपोज किया जा रहा है, जबकि यहाँ बता दिया गया है कि डिसोल्यूशन कैसा प्रोसेस है इस केस में भी, इंडोथर्मिक. इंडोथर्मिक मतलब जहाँ हीट क्या होता है, देना पड़ता है. तो हीट देना पड़ रहा है कब? जब डिसोल्यूशन हो रहा है तब. और हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया. दैट मीन्स क्या कर रहे हैं? हम सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोसेस को. तो ये प्रोसेस क्या होने लगेगा? और फास्टर होने लगेगा. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर का बढ़ना इस केस में क्या बेनिफिशियल है. यानी टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी डिसोल्यूशन प्रोसेस और फास्टर होने लगेगा, है ना. यानी इस केस में टेम्परेचर का जो बढ़ना है वो सॉल्युबिलिटी को क्या करेगा? वो बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा. बट अगर ऐसा होता कि ये जो हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस है, हमने अगेन कंटेनर में यहाँ पर सॉल्वेंट लिया और यहाँ सॉल्यूट को डाला, सॉलिड सॉल्यूट को, और अगर इस बार ये जो डिसोल्यूशन होने का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होता, यहाँ उल्टा हीट क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा बाहर. और अगर हम इस वक्त क्या करें? टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो ये तो खुद हीट बाहर निकालना चाह रहा है और हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं. तो ये इसके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है. तो इस केस में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगी वो घटने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी. तो अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक है तो उस केस में टेम्परेचर का बढ़ना इसे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है. टेम्परेचर के बढ़ने से डिसोल्यूशन प्रोसेस और स्लो होएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. बट इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, देन इंक्रीज इन टेम्परेचर इज बेनिफिशियल इन दिस केस एंड हेंस द सॉल्युबिलिटी वुड इंक्रीज. एंड देन अब टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट फैक्टर की बात आती है, वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट प्रेशर का क्या पड़ेगा? ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन गिवन लिक्विड. अगर किसी लिक्विड में हम किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस वक्त प्रेशर का वहां पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है. यानी प्रेशर जो है वो सॉलिड के घुलने में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं डालेगा. प्रेशर हम बढ़ा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रेशर घटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए क्योंकि एक्चुअली में हम जानते हैं कि सॉलिड जो है वो
लिक्विड जो है वो कंप्रेस नहीं होते, उनमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, तो प्रेशर का कोई खास सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, नो सिग्निफिकेंट रोल इस केस में नहीं है। जब हम किसी सॉलिड को किसी गिवन लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं तो उस समय प्रेशर में चेंज होना कोई तरह का सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं डालता है, इसलिए क्योंकि हमारा जो सॉलिड है और लिक्विड है उसमें कंप्रेस होने की एबिलिटी है ही नहीं, तो इसलिए प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो प्रेशर के चेंज से सॉल्युबिलिटी की में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी हम कह सकते हैं कि प्रेशर डजंट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन एनी लिक्विड। तो ये हमने यहाँ तक बात कर ली किसी भी सॉलिड के सॉल्युबिलिटी को लेकर किसी गिवन लिक्विड में।